माशाल्लाह लुकिंग टू मच ब्यूटी। वो ये भी थे कि मैं यहाँ ईरान में क्या करता हूँ, मेरा बिजनेस है, जॉब है, क्या है, वैक्स करवा ले, वैक्स करवा ले, मैं है वैक्स करवा लूं। ज्ञानी की खुशबू आ रही है, बल्ले बल्ले देख रही है क्या हो गया है। एक मिनट यार, ये क्या सीन है? यू ऑलवेज डू लाइक दिस। हमारे घर अबू सिर्फ बिरयानी बना रही है। तो यू कैन नॉट लर्न फ्रॉम अबू। मैं देखती हूँ ना, मैं नहीं बनाती, सिर्फ देखती है। अंकारी क्या लगा है? आलू बुखारा है। अच्छा। प्याज है, आलू है। कितना कितना है ये भी बताओ। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप? हम भी ठीक है। कैला बेबी ठीक है? मैं भी ठीक हूँ। कैला बेबी बात करी है? व्हाट व्हाट मामा से गए? बाबा 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 Mama da naşta banar diye. Again my daily routine. 3-4 Ha? Kayla? Yeah, Kayla baby ka naşta hai. Yogurt hai with doşap. Çiye? How she is eating? Ha? It's yummy, yummy. Yummy, yummy. It's sweet and it's too much tasty, but Kayla ka şakal da kur. Ha? Ha? Taha? Taha? Uca. Taha? Taha uca, ona leyte. Uca. Give me hand. Esselamu aleyküm. What? So, भैया मैं तो ब्रेकफास्ट का इंतजार कर रहा हूँ, ये बीबी जो है ना सो रही थी और एकदम से उठ गई है और उठ के जो है ना खड़े होने की कोशिश कर रही है। हाँ अच्छी ड्राइंग टू डू कायला जान। ओ कायला जान ये देखो, अभी देखना ये। हाँ ये जी हमारा ब्रेकफास्ट है आज का। ब्रेकफास्ट में एज यूजुअल चॉकलेट, वो जैम और ये बटर और चीज विद चाय। तो शुरू करते हैं। हेलो जी। सो भैया आप सबके बड़े कमेंट्स आ रहे थे कि ताह भाई क्या आप स्पैगेटी और क्या कोरमा सब्जी बार बार खाई जा रहे हो, कुछ पाकिस्तानी भी बनाओ। तो मैंने सोचा है आज हम लोग बना लेते हैं आप लोगों के लिए बिरयानी। सो मैंने सोचा आज हम बनाते हैं बिरयानी और खिलाते हैं मामा बाबा को। असरा ने तो पाकिस्तान में खाई है काफ़ी बार लेकिन मामा बाबा ने नहीं खाई, तो इनको फर्स्ट टाइम हम बिरयानी बना के खिलाते हैं और आपको भी देते हैं पाकिस्तानी बिरयानी मेरे अबू के स्टाइल की रेसिपी, क्योंकि मेरे अबू बिरयानी बहुत अच्छी बनाते हैं। पूरे ख़ानदान में बड़ी फेमस है अबू की बिरयानी। आप अगर ट्राई करोगे तो आपको भी मज़ा आएगा। तो इंग्रेडिएंट्स भी साथ साथ बताता रहता हूँ। वेलकम बैक टू दी ब्रांड न्यू व्लॉग। पहले जो है मैं आपको सारा सामान की डिटेल बता देते हैं और मैं लिख भी दूंगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपके लिए इजी हो सामान निकालने में और बनाने में। तो भैया हम ये सामान पूछेंगे असरा से। असरा बताओ क्या क्या लगाया, क्या क्या है? क्या लगा है? आलू बुखारा है। अच्छा। प्याज है, आलू है। कितना कितना है ये भी बताओ। अच्छा। ना तीन प्याज है। तीन? दो कहा था मैंने, मतलब थ्री। नहीं नहीं मैं थ्री कट कर दिया। क्यों? क्योंकि हम थ्री है ना। वाह दीदी वाह दीदी वाह, क्या लॉजिक है। मोहम्मद सिंह पतामा सिंह पीरम पातम सन्ना यूं यूसर ना ना मोहम्मद बोलिए कि तुम्हें तो भी दीदी वाश मैं से एक मैं बोलिए कि मैं दो दिया तो दिया। हाँ, दो दिया ये वजह। अच्छा तीन आलू है। तीन? दो आलू है। एक्सक्यूज मी, दो आलू है। हाँ। दो प्याज है। अच्छा बड़े वाले प्याज हैं दो जी? बड़े प्याज हैं दो। दो स्पून का दही है, तकरीबन आधा एक कप से थोड़ा सा कम दही है जी जी। और एंड आलू बुखारा है। आलू बुखारा है, सारा नहीं दिलेगा इसमें से, मैं 10-11 पीसेस डालेंगे। जिंजर है। जिंजर? वेयर इज जिंजर? जिंजर नहीं है। व्हाट इज दिस? आपने बताया ना तो वो बेचारे पागल हो जाएंगे। दालचीनी है। अच्छा। लाल मिर्च है, हल्दी है, बिरयानी का मसाला है, इलायची है,
इलायची पाउडर है, इलायची का पाउडर है, जीरा पाउडर है, जीरा पाउडर है, मिर्चे है, मिर्चे तीन बड़ी मिर्चे हैं, फोर अदरक, यस अदरक नहीं नहीं लहसुन है, लहसुन गार्लिक गार्लिक है, तीन टमाटर है बड़े वाले, ये मुझे पता है, कुछ भी चीज बिल्कुल पता नहीं है। चलो मैं आपको सही तरह समझा देता हूं। कैसे आपको समझ आया? झूठ बोलिए। ही कॉल अबू और अबू बस यू हैव टू मेक। ये तो धोती खोल रहा है। तो बाबा आई वाज रिकॉलिंग ना माय मेमोरी बिकॉज़ आई फॉरगेट। तो सही है, मैं आपको बिल्कुल क्वांटिटी सही तरह समझा देता हूँ। आपकी भाभी ने जो समझाया वो आपके सर के ऊपर से गया होगा, मुझे पता है। टेंशन ना लो आपका भाई, मुझे बहुत टेंशन है क्योंकि माय मदर विल ईट फर्स्ट टाइम दिस फूड। डोंट वरी बाबा, इंशाल्लाह विल कुक गुड। नमक तकरीबन आधा टेबलस्पून, जीरा आप वैसे पाउडर नहीं यूज़ करें, दूसरा यूज़ करें, साबुत मेरे पास नहीं है तो मैं पाउडर यूज़ कर रहा हूँ आधा टेबलस्पून। इलायची भी साबुत यूज़ करनी थी बट मेरे पास इलायची साबुत नहीं है तो मैं पाउडर यूज़ कर रहा हूँ आधा टेबलस्पून। दो चम्मच मैंने बिरयानी मसाले के लिए, आधा टेबलस्पून हल्दी है, आधा टेबलस्पून हमारे पास लाल मिर्च है, तीन चार जो है ना डंडियाँ हमारे पास उसकी हैं, क्या कहते हैं इसे, दालचीनी की हैं। अब इधर आ जाएं, आलू बुखारा ये सारे नहीं डालेंगे, इसमें से 10-11 पीस डालेंगे। हमारे पास दो बड़े प्याज हैं, दो आलू कट कर दिए, एक कप दही है, तीन टमाटर हैं, हरी मिर्चें तीन हैं अभी, और इसके बाद ना एक दो और काट के ऊपर से जो है ना वो लगानी है। बकाया चार हमारे पास लहसुन है। धनिया पुदीना मेरे पास नहीं है जो कि गार्निश के लिए बहुत मेन इंग्रेडिएंट होता है, तो वो आप लाजमी अपने पास रखना, मेरे पास नहीं है चूँकि, तो जाहिर सी बातें क्या कर सकता हूँ। तो मैं आपको बिल्कुल आसान सा प्रोसेस बताऊंगा, कोई मुश्किल नहीं है बिरयानी बनाना, आसान प्रोसेस बताऊंगा ताकि आप इजीली बना सकें। ये इंग्रेडिएंट आपने अपने पास लिख लेने, वैसे मैं लिख के स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लेना ठीक है। ये जी हमने ब्लेंडर मशीन निकाल ली अपनी, ये थोड़ी सी अलग है और ये है कोजांग ब्रांड की, दिस इज़ फ्रॉम तुर्की, तुर्किश ब्रांड और ईरानी ब्रांड, इस चाइनीज ब्रांड। ओके, ब्लेंडर में हमारे जो है ना सारे टमाटर, तीन बड़े बड़े जो टमाटर हैं वो जा रहे हैं, इसी में हम हरी मिर्चें और लहसुन भी डाल देंगे। ये देखें इसमें हमारी मिर्चें और लहसुन भी चले गए। सबसे पहले जी हम ऑयल डाल लेंगे अपने इस पतीली में, और उसके बाद हम इसमें अनियन डालेंगे अपने फ्राई करने के लिए। सबसे पहला काम है आपने अनियन फ्राई करने और ब्राउन करने। जी ताहा, आप खाना बना रही हो और कारपेट तोल दियो। बेटा मैं इसी तरह सोता हूं। कैसी तरह? क्यों? नो नो, व्हाई यू पैंट इज अप? आई डोंट नो, दिस पैंट इज लाइक दिस मामा। अच्छा ठीक, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? प्याज ब्राउन कर रहे हैं भाई। आप प्याज जल रही है? नहीं जल रही है, वल्लाही जल रही है बाबा, मिक्स इट, सीरियसली जल रही है। जाओ जाओ बैठो काम, बाबा जल रही है, मिक्स इट, पुट दिस मिक्स, साइड इज बर्निंग। आई ऑलरेडी डिड गाइस, मैं बोल दिया कि ताहा विल बर्न दिस ऑनियन, यू डिड इट मिले में भाई। देखो मामा क्या बोलिए, माने मैंने भैया हम उस ऑयल में जो है ना अपनी ये टोमेटो पेस्ट वाली जो ग्रेवी है ये डाल रहे हैं अभी। Yes, after sare onion jal rahi hai, we are adding Baba, tomato paste. Ha, what? Baba, jal rahi hai. He is not accepting his wrong. Always like this. दो कप हम जो है ना टोमेटो पेस्ट डालने के बाद दो कप इसमें हम पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद जनाब हम जो है इसके अंदर डालेंगे अपने आलू जो हमने काट के रखे हुए थे, ये आलू गए। अब हम इसके अंदर अपनी योगर्ट डालेंगे। डाल दो भाई, डाल दो। आप क्यों मिक्स नहीं कर रहे हो? सबर करो बाबा, सबर करो, सबर करो, सबर। शेफ कंफ्यूज हो गए। अब जो है ना इसमें हमारा मसाला है हल्दी, जो सारा मैंने शुरू में बताया था, सारा मसाला हम डालेंगे। डाल दो, डाल दो।
सारा मसाला डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे। मैंने आपकी भाभी को बोला कोई काम थोड़ा सा खुद भी कर लो, क्योंकि 2 साल पाकिस्तान में रह के आई है, लेकिन बिरयानी नहीं बनाना सीखी भाई। अम्मी सही कहती थी, why you didn't learn बिरयानी? यार हमारे घर अबू सिर्फ बिरयानी बना रही है। तो यू कैन नॉट लर्न फ्रॉम अबू? मैं देखती हूँ ना, मैं नहीं बनाती, सिर्फ देखती है कार्य। वाह, 15 मिनट के लिए आपने अब हाई फ्लेम पे इसको बनाना है। हमने अपने प्याज का जो है ना आधा ऑयल निकाल लिया था, वो हम एंड में डालेंगे। आधे ऑयल में हमने अपनी ये सारी चीजें डाली हैं। हमने चावल जो है ना अपने तकरीबन सबसे पहले भिगो के रख दिए हैं, तो ये आधा घंटा आपने लाजमी भिगोने हैं चावल। उधर हमारी बिरयानी बन रही है, इधर कायला बेबी जो है ना मजे में बैठी हुई है, इंजॉय कर रही है। हाँ कायला खानम, कायला खानम देख रही है अपनी मामा ग्रैंड मदर को कैसे घर साफ कर रही है। भाई किटी भाई, एक मिनट यार, ये क्या सीन है? यू ऑलवेज डू लाइक दिस? हाँ ये क्या बार बार मेरी शर्ट्स पहन लेती हो, टी शर्ट सारी है? यार मैं क्या करूँ, आपको शर्ट से इतना मैं कंफर्टेबल हो गए है, हाँ कसम से। ये हमेशा जो है ना मेरी शर्ट निकाल के पहन लेती है। हाँ आप लोग व्लॉग्स में देखें, मेरी सारी शर्ट जो है ना निकाल निकाल के पहन लेती है। सिर्फ 2 दिन दफा बाबा दे। नो 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 भाई, 5 मिनट हाई फ्लेम पे पकने के बाद हमने अपने जो है ना आलू बुखारे डाल देने। ये सारे डाल देना? सारा नहीं डाले, एक को छोड़ दिया। असरा 15 मिनट हो गए, गो चेक आलू। हाँ 15 मिनट बाद हम मुर्गी डाल दिए। चलो डालो डालो। अल्लाह अल्लाह, शी इज केयरिंग टू मच। वल्लाह यू आर स्ट्रेस दुकान। मुझे कुकिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। अब जो है चिकन डालने के बाद हम इसको तकरीबन 15 मिनट हाई फ्लेम पे और कुक करेंगे। चिकन जब तक हमारी कुक हो रही है, हमने अपना पानी जो है ना बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है। पानी जब बॉईल हो जाएगा तो हम इसमें अपने राइस डालेंगे। व्हाट हैपेंड? हाँ व्हाट हैपेंड? यू वांट टू कम आउट? ओके, गिव मी योर हैंड, गिव मी योर हैंड, give me a hand, give me a hand, my god, come out, come out, come out, no I cannot take you out, we are cooking na, let us cook then we will put you out, okay? Haan chudwa liye isne, naraaz hoke. Abbu jo hai na active hai mere sath whatsapp par, main agar kuch bhul jata hu to main phone aur abbu se poochta hu, abbu foran reply karte hain kyunki abbu is biryani expert. Hamare paas ek nakara insaan bhi hai, uska naam hai Asra. Isko itna nahi pata ki pani kitna dalna hai. Nakara aap ho ke itna year aap Pakistan mein, but bilkul pata nahi ki kaise tarike biryani banana ho. Baba, I know. You don't even know how much water you should put in patili. Every single minute Abu sending voice record. Ye karo, you karo, aisi karo, aisi bana lo, aisi dal do. Jhoot boliye. But you don't even know how to put water. How much you should put water? Yes, accept kari hai. Haan, so nakara ho na, say I'm nakara. 15 minute high flame pe pakane ke baad hum jo hai apne pyaaz. प्याज डालो ना, आहिस्ता करो। क्या किधर डाल दिया? उसके अंदर, अपने सालन के अंदर। हाँ सारे प्याज डाल दिए? हाँ सारे प्याज डाल दो। ये देखो, ये देखो, डरेगी कितना डरेगी। यार इस तरह सारे प्याज डाल दे? नहीं आधे छोड़ दो, सारे डाल दो बाबा। आपको चम्मच दे दो ना, कैसे तरीके में है? मैं दे दूँ चम्मच? खुद डालो ना चम्मच, दो उधर पड़े में। हाँ आंखें नहीं है, कह रहा हूँ ना नकारा नकारा। आप देखो कैसे तरीके प्याज फ्राई कर। वाह क्या काम किया है। अब जो है हमने इसका फ्लेम कर देना है लो पर अपने सालन का। मामा मसरूफ है जी सफाइयां करने में, मामा को टाइम मिलता है तो मामा से सफाई करती है। मामा क्या इस्तीफा दे, मामा खाना नहीं बना रही है, बोलिए मैं क्या करे क्या नहीं करे। लेट्स क्लीन हियर, लेट्स क्लीन देयर। वल्ला वैसे हमारा घर ऑलरेडी बहुत क्लीन होता है, लेकिन मामा जो है ना क्लीन को भी क्लीन करती है। वाले मामा कायला देख रही है मामा कितना क्लीन कर रहे हैं, क्या क्या करना है इसका। हमारा पानी जो है बॉईल होना शुरू हो गया, अब हम इसमें अपने राइस डालेंगे।
ये देखें जी, अब हमारे चावल जा रहे हैं उबलते हुए पानी के अंदर। अब 6 मिनट जो है ना, इसको हाई फ्लेम पे हमने कुक करना है। 6 मिनट कंप्लीट हो गए, अब हम इस राइस को, आधे राइस को निकालेंगे, छानेंगे इसका पानी और फिर उसमें डालेंगे अपने मसाले में। अब हाफ जो है ना राइस जा रहे हैं हमारे मसाले के अंदर। 2 मिनट बाद फिर हम अपना बकाया जितने भी चावल रिमेनिंग है वो सारे जो है ना चावल हम 2 मिनट बाद अपनी मसाले में डालेंगे इस तरह। अच्छा, जो हमने तेल निकाल के रखा था प्याज का, अब वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पे जो है ना तेल नहीं होता, तो मतलब होता है लेकिन हम लोग नहीं यूज़ करते, हम लोग घी यूज़ करते हैं। तो अब हम ना ऊपर से घी, जो हमने प्याज ब्राउन किया था ना वो खुशक हो गया, तो वो उसके ऊपर डालेंगे चारों कोने पे सारा। अब जो है हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे, जैसे हमारे पाकिस्तान में जो तवा होता है ना, हम तवे के ऊपर पतीली रख के उसको दम देते हैं तकरीबन 15 मिनट, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्योंकि तवा नहीं है तो हम बिल्कुल लो फ्लेम पे, मैं दिखा देता हूँ, इतने लो फ्लेम पे जो है ना हम इसको 15 मिनट कुक करेंगे। 15 से 20 मिनट हम जो है दम लगाने के बाद लो फ्लेम पे अब इसको मिक्स करने लगे हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह जी यार, खुशबू आ रही है बिरयानी की, मैं मिस कर रहा था कसम से। When you're out of country, I'm making your food. I know how it is feel. खुशबू चढ़ी है ना नाक में, घर याद आ गया। अभी देखें कैसे जबरदस्त लुक में कायला रेडी हो गई है खाने के लिए। देखो कितनी एक्साइटेड है कायला की मामा, कायला को खाना खिला रही है, कायला का स्पेशल खाना। इस स्पेशल खाने की भी रेसिपी आपको दी गई है पुराने व्लॉग्स में, तो पुराने व्लॉग्स लाजमी जाके देखें अगर आपने बच्चों का ये खाना बनाना है। टेस्टी भी होता है, डिलीशियस, बच्चे पसंद करते हैं और इसमें प्रोटीन हर चीज़ है। तो आप ये लाजमी जाके रेसिपी देखें पुराने व्लॉग्स में, किस तरह इंजॉय करेंगे। कहेगी दो, अभी ये रोक असरा डोंट गिव, हाँ ना जी जी जी, ये देखो दो दो दो, इतनी डिलीशियस है कि फौरन जो है ना कहते हैं दो। यूजली जो है ना बच्चे खाना नहीं खाते हैं, लेकिन ये इतना टेस्टी है कि कायला लपक लपक के कहती है दो। बिरयानी की खुशबू आ रही है बल्ले बल्ले, देख रही है क्या हो गया है। यू एक्साइटेड? खुशबू से पता चल जाता है कि बिरयानी बनी है कि नहीं। यार देखो ईरानी राइस जो है ना थोड़े से मामा देख रहे हैं, मामा कह रही है तुम्हारी वैसे हल्के से जो है ना वो डह गए, लेकिन यार नहीं क्या ठीक है, डह नहीं गए, इसमें इसमें फूड कलर नहीं है, ठीक है मैं खा दिया, अच्छा है। हाँ अच्छा है, अच्छा, क्योंकि ये जो है ना इसमें फूड कलर नहीं है, तो जो है ना फूड कलर के बगैर बिरयानी का लुक नहीं है, अदरवाइज टेस्ट करके आपको बताते हैं। फैलाने वाला बिस्मिल्लाह, अब दिस इज गुड ना, भाई टेस्ट बहुत मजे का, टेस्ट वाकई में बहुत मजे का। चावल हल्के से डह गए लेकिन टेस्ट बहुत ज़्यादा है, बिरयानी वाला टेस्ट है भाई। भैया मामा से पूछते हैं, मामा ने बिरयानी फर्स्ट टाइम ट्राई की है। मामा हाउ इज? वेरी वेरी गुड, जियो जियो जियो। हमने खाई है आज बिरयानी ईरान में, वो भी किस किस टाइप की बिरयानी, कराची मेमन बिरयानी। जो मेमन बिरयानी कराची में, जिस जिसने मेमन बिरयानी खाई और जिस जिसको पसंद है वो कमेंट में ज़रूर बताना यार, मैं बड़ा मिस करता हूँ मेमन बिरयानी को। और आज हमने बिल्कुल वैसी ही बिरयानी खाई है। हाँ चावल हल्के से डह गए, देखो फर्स्ट टाइम में कुछ ना कुछ तो ब्लंडर हो ही जाता है ना, है ज़्यादा नहीं डहे लेकिन थोड़े से डह गए हैं। और क्यों एक गलती हुई है, गलती हुई है कि मैंने 2 कप पानी डाला था, मुझे पानी नहीं डालना चाहिए था क्योंकि टमाटर का पानी काफ़ी था, बस ये एक ब्लंडर हुआ, अदरवाइज मसाला ज़बरदस्त, टेस्ट बहुत आला, हर चीज़ परफेक्ट थी, बहुत आला, मज़ेदार, मज़ा आ गया। हाँ भाई खा लिए बिरयानी, मेरे पेट फुल है, बस बहुत मज़ेदार, थैंक यू, बहुत टेस्टी। हाँ टेस्टी देन अबू और नो,
At all, you cannot do competition with that book. You cannot cross. Why? But was too much tasty. Yes, was too much tasty. Just butter you add more. Otherwise, taste was too much. चलो पास हो गई जी। यार सारे कहते हैं ये मामा को व्लॉगिंग पसंद नहीं है, क्या सीन है? नहीं, मामा को व्लॉगिंग पसंद है। बेसिक मसला पता है क्या? मामा को सबसे पहले दुनिया में सबसे पहली चीज जो मामा को अजीज है ना, जो मामा हर टाइम कर सकती है, वो है सफाई। मामा दिन रात शाम सफाई कर सकती है। मामा को सबसे ज्यादा पसंद सफाई है। वही वाला भाई है। ये देखो कैसी हंस रही है। इसको भी पता है मेरी अम्मा को मुझसे ज्यादा सफाई पसंद है। जी जी बिल्कुल। Değil ki mama temizlemeyi yüzünden çok ister. Vale mama. Sen dırtısan da atarsan. What you say? Say my son-in-law is dirty, making my home dirty. That's why I am cleaning. Yes, nah, I am dirty, but she don't know why I get this much dirty. Because of you. Because of you. Bunu tüylerde bak. Bak. Vallahi yani ölmüşüm sana alından bak. बाबा हे ओ यार, अब मेरे पैरों में ज्यादा देखो बाल है तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? है वैक्स करवा ले, वैक्स करवा ले मैं, है वैक्स करवा लूं। लेजर सही है भाई, ईरान में रहे तो साल बाद जो है ना मैं न्यू हो जाऊंगा। तो भैया मजाक अपनी जगह, मैं भी जा रहा हूँ एक्सरसाइज करने के लिए, तो आप लोगों को दिखाता हूँ कहाँ एक्सरसाइज करता हूँ मैं। और वैसे लेट हो गया हूँ मैं। कैसे बोलो? कैसे बोलो? ऐसे खुद बोलो ना, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती हस्बैंड को बोलिए ऐसे बोले है। एक्सरसाइज करने जाता हूँ, वो जगह भी दिखाता हूँ। वैसे लेट हो गया हूँ मैं काफी ज्यादा, लेकिन चार दिन का नागा है तो जाना लाजमी है आज मुझे। Okay, kardeşim. Mastik kal diye, mastik kal diye. Mastik kal diye. Ta ha kilin. Kilin kilin. Yo şu kılana çok tabisin. Yes, mama sen ta ha is kilin. Mama ab ta ha ko makhal laga rahi hai. Koi masala. Masala. Ti ta ha mama zadeler yavlı ve ta ha tabisin. Matbur ablan ta. Stop the operating with that. What? Well, the shoe I say good about you is not good. People know you are dirty. Oh. Gee. But she don't know how I get dirty, huh? Yeah, it's not. But I'm very hot. Hello, yar. निकलते हैं। अच्छा मैं कमेंट्स रीड कर रहा था, उसमें कमेंट्स में था कि यार मामा जो है ना हर वक्त गुस्से में रहती है। असल में मामा गुस्से में नहीं रहती, मामा बड़ी फनी है। मामा कंफ्यूज हो जाती हैं क्योंकि मैं आप लोगों से जो है ना उर्दू में असल से इंग्लिश में बात कर रहा होता हूँ, उसके बीच में हम मामा की तरफ कैमरा कर देते तो मामा अक्सर जो है ना कन्फ्यूज हो जाती है कि मैंने करना क्या है, बोलना क्या है। ये वजह है। ये हमारा रास्ता है खूबसूरत ईरान। बकाया कुछ लोग सवाल कर रहे थे कि यार बंगज क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ। बंगज इस कास्ट पर, हमारे पठानों में काफ़ी सारी कास्ट हैं, लाइक खट्टक, अफरीदी, शिनवारी, यूसुफजई, औरंगजई, बहुत सारी कास्ट हैं, बहुत सारे कबीले हैं। तो बंगज इज़ वन ऑफ देम। बंगज जो है एक पठानों का कबीला है। सो यस, और वैसे बंगज इट्सेल्फ इसके जो मायने हैं वो पर्शियन लव से निकलते हैं, बंकश, जिसका मतलब है दी रूट डिस्ट्रॉयर, मतलब एनिमी की करके रख देते हैं। ये हमारे जो है ना बड़े इस्माइल को लकब मिला था बंकश का, तो उनसे जो है हमारे पूरे कबीले का नाम पड़ा है बंकश। सो नॉर्मली मैं जो है ना इतनी लेट एक्सरसाइज नहीं करता, लेकिन चूँकि चार दिन बाद था मैंने कहा एक्सरसाइज कर लेते, क्योंकि अब अगर छोड़ दी तो फिर वही ये आठ दिन से एक महीना और फिर वापसी ये रिदम टूट जाएगी। तो मैंने कहा कि लेट है बट आई विल डू एक्सरसाइज टुडे। अच्छा, काफ़ी लोगों के सवाल जो थे वो ये भी थे कि मैं यहाँ ईरान में क्या करता हूँ, मेरा बिज़नेस है, जॉब है, क्या है। यार ईरान आए हुए मुझे जो है ना तकरीबन 3 महीने हुए हैं। इससे पहले वी वर इन पाकिस्तान एंड आई हैव बिज़नेस इन पाकिस्तान। रियल इस्टेट का छोटा मोटा सा बिज़नेस है जो कि वो करंटली स्टक है, तो इसलिए आई एम इन्जॉइंग माई डेज हेयर। और मेरी रुकने की दूसरी वजह ये भी है कि मेरी बेबी का अभी तक अकामा नहीं हुआ है। अगर ये लोग अकामा नहीं देते तो आई शुड टेक बैक कायला एंड असरा टू पाकिस्तान।
अदरवाइज अगर कायला का काम हो गया तो आपकी भाभी ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ऑलरेडी लिया हुआ है तो वो कंटिन्यू करेंगी यहाँ और मैं पाकिस्तान शायद वापस आ जाऊँ। अच्छा ये तो हो गई दो बातें। दूसरा बंगश के बारे में बता दें, हमारे एंसेस्टर इस्माइल को ये लकब क्यों मिला? ही वॉज अ वेरी गुड वॉरियर, तो लोगों ने जो है ना उनकी बहादुरी की वजह से ये लकब उनको दिया था, बंकश, जो कि है द रूट डिस्ट्रॉयर, उर्दू में मीनिंग है दुश्मन को जड़ से ख़त्म कर देने वाला। तो या दिस इज़ आवर कास्ट, और ये बंकश बंकश में बदल गया जिस तरह पश्तून पख्तून में बदल गया और बतान से पठान हो गया। सो सही समझाओ कभी मैं हाफ इसलिए रहा हूँ क्योंकि एक्सरसाइज दबा के की आज, माशाल्लाह स्टैमिना अभी भी गुड है। तो निकलते हैं अब। ये देखो इस पार्क में आपका भाई एक्सरसाइज करता है आके, इधर जो है ना सारी मशीन्स लगी हुई हैं, इधर मैं एक्सरसाइज करता हूँ और यहाँ पे जहाँ अभी मैं बैठा हूँ यहाँ मैं रेस्ट करता हूँ। चलो जी घर आ गए, बहुत थक गए हैं। वाह जी वाह, इंतज़ार कर रहे हो, क्या बात है क्या बात है, पकड़ो ये पकड़ो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। Patan satılır para zaten aşağı be. Patlama sen. Ama sen yok. Forget kaçıra. Ooo. Oh. Şeyim. Girme. Girme ne? Şaro bir de fazla dolar. Okey. Subah. Okey. Kayla yavrum. Kayla sleeping. Kayla change her dress. भाई मामा को बिरयानी इतनी पसंद आई है कि मामा ने कहा है रात में भी मैं बिरयानी खाऊंगी, ठीक है, और कह रही है कि अगर हफ्ते में मुझे चार टाइम भी बिरयानी मिले ना दोपहर में तो मैं खाऊंगी। इतनी प्रिटी कायला लग रही है ना, ये देखो। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह खानम, कितनी क्यूट लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है इस ड्रेस में। हम आज का व्लॉग यहाँ एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन फी अमानिल्लाह, अल्लाह ने वाले।